नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। बिहार में लॉकडाउन 2 बीते 16 मई से लागू हो गया है, जो अब 25 मई तक रहेगा। इसके तहत कई पाबंदियां हैं तो कुछ सहूलियतें भी दी गई हैं। इस बीच प्रदेश के बैंकिंग कार्य अवधि में भी बदलाव किया गया है। अब बैंकों में 31 मई तक दोपहर 2 बजे तक ही कामकाज होगा। मसलन पैसे का लेन देन, लोन संबंधित कार्य और सरकारी भुगतान, चेक का क्लियरेंस आदि हो सकेगा। बता दें कि स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी यानी कि SLBC द्वारा लॉकडाउन 1 में जारी नोटिफिकेशन के अनुसार 15 मई तक बैंकिंग कार्यकाल ग्राहकों के लिए सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक किया गया था। अब इसी को बढ़ाकर 31 मई कर दिया गया है। नए नोटिफिकेशन में स्पष्ट किया गया है कि बैंकों के प्रशासनिक कार्यालय 50% स्टाफ सदस्यों के साथ पहले की तरह पूरे बैंकिंग कार्य अवधि में कार्यरत रहेंगे। कोरोना के बढ़ते प्रसार को देखते हुए अभी सतर्कता और एहतियात बहुत जरूरी है। सभी को इसका पूरा ख्याल रखने की जरूरत भी है। ऐसा करके ही कोरोना जैसी इस भयानक महामारी से निपटा जा सकता है। बैंकों में 31 मई तक दोपहर 2 बजे तक ही कामकाज होंगे। बिहार में लॉकडाउन की अवधि के विस्तार के बाद ये निर्णय लिया गया है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए राज्य के ग्राहकों के लिए बैंकिंग कार्य अवधि में कमी की गई थी। SLBC द्वारा पूर्व में जारी नोटिफिकेशन के अनुसार 15 मई तक बैंकिंग कार्यकाल ग्राहकों के लिए सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक किया गया था। इसी को बढ़ाकर अब 31 मई तक कर दिया गया है। ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन के संयुक्त सचिव DN त्रिवेदी ने कहा है कि नए नोटिफिकेशन में SLBC ने अब 31 मई तक ग्राहकों के लिए बैंकिंग कारोबार सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक ही करने का निर्णय लिया है। नए नोटिफिकेशन में स्पष्ट किया गया है कि बैंकों के प्रशासनिक कार्यालय 50% स्टाफ सदस्यों के साथ पहले की तरह पूरे बैंकिंग कार्य अवधि में कार्यरत रहेंगे। कोरोना के बढ़ते प्रसार को देखते हुए अभी सतर्कता और एहतियात बहुत जरूरी है। सभी को इसका पूरा ख्याल रखने की जरूरत है और ऐसा करके ही कोरोना महामारी से बचाव संभव है। आपको पता है कि बैंक के कई स्टाफ, कर्मचारी और अधिकारी कोरोना संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं, इसलिए बिहार के बैंकर्स में इस बात को लेकर भी दहशत है। तो इसी को लेकर SLBC द्वारा जारी नोटिफिकेशन के अनुसार अब 15 मई तक बैंकिंग कार्यकाल ग्राहकों के लिए जो 10 बजे से दोपहर तक का समय तय किया गया था, उसे बढ़ाकर 31 मई तक कर दिया गया है। बहरहाल आप बने रहें लाइव सिटीज के साथ। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सकें।